हरियाणा के राज्य मंत्री करण देव कांबोज ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में एक एक बूथ जीतकर फिर से मोदी जी पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनेंगे। बीते 4.5 वर्षों के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश ने अभूतपूर्व उन्नति की है। पूरे देश के अंदर कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद मोदी जी आज कर रहे हैं और विभिन्न स्थानों पर यह मंडल स्तर पर कार्यक्रम रखा गया है। देश में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के मंडल हैं उन सभी में हमारे जनप्रतिनिधि भी साथ बैठ करके इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी जब कोई बात कहते हैं तो दिल से कहते हैं और दिल से कही हुई बात जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करते हैं तो निश्चित रूप में उसी का एक परिणाम भी है कि आज देश के अंदर जो है ना देश जो निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ता जा रहा है और जैसे कि अभी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसी बात से उनका कॉन्फिडेंस नजर आता है कि जिस प्रकार से 14 फरवरी को एक ऐसी दुखदायी घटना हुई थी जिसमें हमारे 42 से ज्यादा सैनिक जो है ना शहीद हो गए थे और पूरा देश गुस्से में था, आक्रोश था पूरे देश के अंदर, लेकिन जिस प्रकार से सूझबूझ के साथ और नरेंद्र मोदी जी ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा था कि इन सैनिकों का जो है ना खून व्यर्थ नहीं बहेगा, ये व्यर्थ नहीं जाएगा और समय और स्थान जो है वो सेनाएं तय करेंगी और उसी प्रकार से उन्होंने सेनाओं का जो मनोबल बढ़ाने का काम किया और अभी जो 2 दिन पहले इस प्रकार से पुलवामा में जो घटना हुई थी उसका बदला लेने के लिए पाकिस्तान की धरती पर जाकर के अंदर घुस करके जो मिलिटेंट शिविर वहां लगे हुए थे जिनमें जन उग्रवाद की ट्रेनिंग दी जाती थी उनको ध्वस्त करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर जो एक संदेश दिया है और आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। पूरे देश के अंदर जो है ना जी वादा किया था सभी गेस्ट टीचर्स को पक्का करने का, जो मुझे लगता है 14,000 गेस्ट टीचर्स जी जी देखिए हमने कभी बचपन में या हम सुनते आए हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। अभी लगभग 1-1.5 महीने पहले एक बच्चे ने एक छोटा सा कागज जो है वो किसी के माध्यम से मेरे पास पहुंचाया है और उस कागज पर लिखा हुआ था कि अंकल मेरे पापा जो है ना 13 साल से गेस्ट टीचर लगे हुए हैं और आप लोगों ने वादा किया था कि हमारी सरकार बनते ही हम आपको पक्का करेंगे, तो उस पर लिखा हुआ था कि अंकल अपना वादा पूरा कीजिए और शिक्षा मंत्री जी के नाम वो पत्र था। हमारी पीछे जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी तो मैंने उसमें उस पत्र को 1 महीने तक अपनी जेब में रखा। उस मीटिंग में मैंने वो पत्र जो है ना रामलाल साहब हमारे जो आदरणीय शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर रामलाल जी उनको दिया। मैंने कहा कि एक बच्चे ने आपके लिए एक प्रेम पत्र दिया है तो उन्होंने पढ़ करके सुनाया सबको, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने ना तो ये पहले उठाए और ना हम उनको आगे हटाएंगे। तो फिर एक बात आई कि अगर जब आप हटा ही नहीं रहे हैं तो क्यों ना एक एक्ट बना करके इनको जो है ना एक ऐसी गारंटी दी जाए ताकि इनकी सेवाएं समाप्त नहीं की जाएंगी। तो सरसम्मति बनी और सरसम्मति बनने के बाद कल अपनी विधानसभा में हमने ये बिल पास भी कर दिया कि इनकी सेवाएं हम किसी भी प्रकार से खत्म नहीं करेंगे। जो मानदेय हम इनको दे रहे हैं वही मानदेय इनको मिलता रहेगा। जैसे जैसे महंगाई भत्ता बढ़ेगा उसी प्रकार से उसी रेशो में वो इनके जो है सैलरी में जुड़ता जाएगा। तो ये हमने कभी सुना था कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं और एक बच्चा इन 13-14 हजार टीचरों के जो है ना उनके लिए एक भगवान बन करके आया, उसी के माध्यम से काम जो है ना संपन्न हुआ है।